छठवें चरण की लड़ाई अब राम रावण पर आ गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित बयान दिया। नाना पटोले ने सीएम योगी के पहनावे को लेकर कहा कि सीता जी का हरण करने रावण भी भगवा पहनकर आया था। वहीं बीजेपी ने नाना पटोले के इस बयान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने राहुल गांधी के मंदिर जाने और भगवा कपड़े पहनने और जनेऊ पहनने पर सवाल उठा दिए हैं। भगवा के अपमान को लेकर देश में साधु संतों ने भी नाराजगी जाहिर की। इससे पहले भी नाना पटोले राम मंदिर को लेकर कई बार विवादित बयान देकर हिंदू धर्म का अपमान कर चुके हैं। वे कपड़े पहनकर इस तरह की बात करते हैं तो सीता जी को चोरने को रावण जब आए थे तो भी भगवे कपड़े पहन के आए थे। असली चेहरा क्या था और नकली चेहरा क्या था वो सामने है, तो ये तथा कथित रावणी वृत्ति उन्होंने बोला इसलिए मैं बोला। ये किसमें दिखाई पड़ रही है ये देश की प्रबुद्ध जनता भली भांति समझती। छठे चरण की लड़ाई भगवा पर आई। योगी का देश हुआ फैन, कांग्रेस हो गई बेचैन। नाना की रावण वाली भगवा पॉलिटिक्स। देश में 429 लोकसभा सीटों पर चुनाव पूरा हो चुका है। अब बारी छठवें चरण की है जहां 25 मई को वोटिंग होनी है। लेकिन छठे चरण की वोटिंग से पहले एक बार फिर भगवा को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने सीएम योगी के भगवा पहनावे को लेकर विवादित बयान दिया है। नाना पटोले ने योगी के पहनावे की तुलना रावण के भगवा वेश से की जो उसने माता सीता के हरण के वक्त पहना था। चाइना ने जिस तरह से देश की सीमाओं को अतिक्रमण करके रखा है उसके बारे में योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बोलते? भारत माँ जब तकलीफ में है, भारत माँ के ऊपर कब्जा हमारा दुश्मन देश कर रहा है, तब योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बात कर रहे? भगवे कपड़े पहनकर इस तरह की बात करते हैं तो सीता जी को चोरने को रावण जब आए थे तो भी भगवे कपड़े पहन के आए थे। गलत नीतियों को समर्थन करना भगवादारी कपड़ा पहन के, यही गलत है और भगवा विचारधारा का अपमान किया जा रहा है, यह हमारा कहना। तुम तो जो अपना देश है वो देश की बात, वो तो उसको कब्जा दूसरा देश कर रहा है और तुम योगी की बात कर रहे हो। संत ने संत जैसे रहना चाहिए, भारत माँ के साथ जुड़े रहना चाहिए, लेकिन तुम चीन का समर्थन करते हो तो ये गलत है। नाना पटोले के इस बयान के बाद बीजेपी का पारा हाई हो गया। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी का पूरा इतिहास भूगोल याद दिला दिया। नाना पटोले जी ने कहने का प्रयास किया है, ये बिल्कुल सच है कि माता सीता का जब हरण करने गया था साधु के वेश में गया था। ये लोग जो आचरण करके आते हैं ना, ये जो बगुला भगत बन के आते हैं और फिर बाद में कार्यसेवकों के हथियारों का समर्थन करते हैं, मतलब मैं नाना पटोले जी को बता देना चाहता हूँ, जानते क्या होता है कि राहुल गांधी जी जाते थे और पूजा करके निकल के और जनेऊ दिखाई जाती थी उनकी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जाति और गोत्र भी बताया जाता था। फिर उनकी पार्टी के जो सांसद थे वो वकील का चोला ओढ़कर बाबरी मस्जिद के पक्ष में जा खड़े होते थे। तो असली चेहरा क्या था और नकली चेहरा क्या था वो सामने है, तो ये तथा कथित रावणी वृत्ति उन्होंने बोला इसलिए मैं बोल रहा हूं। ये किसमें दिखाई पड़ रही है ये देश की प्रबुद्ध जनता भली भांति समझती है। वही इस बयान के बाद देश भर के संतों ने नाना पटोले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने नाना पटोले को सीख देते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ के काम और सफलता को देखकर सभी विरोधी पार्टियां घबरा गई हैं, जनता सब जानती है। जो उनको रावण की उपाधि दे रहा है वह स्वयं रावण है, जो रावण है वही रावण को कह सकता है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी वो सम्मानित व्यक्ति हैं और उनकी परंपरा है, उस मठ की परंपरा है, उस मठ की परंपरा गेरुआ वस्त्र को धारण करते हैं और आदि में गेरुआ वस्त्र ही हमारे देश का मुख्य चिन्ह रहा है। लेकिन आज जिस रूप से उनको अपमानित किया जा रहा है यह हारने का बौखलाहट है। सत्ता इनकी चली गई, सत्ता में पहले कांग्रेस थी,
और कांग्रेस की सत्ता चले जाने के बाद सब परेशान हैं। रावण ने भी अपना भेष बदला था तो उन्होंने माँ सीता का हरण किया रावण ने, और ये देश के जनता की भावनाओं को हरण करके अपना सत्ता पाना चाहते हैं, सत्ता पाके जातीय संघर्ष कराना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ जी से रावण का करेक्टर नहीं मिलता, इस बात को समझना होगा नाना पटेल जी का। अगर मिलता है किसी का रावण से करेक्टर, यानी जो छद्म रूप अगर मिलता है तो कांग्रेस का मिलता है, कांग्रेस नेताओं का मिलता है। भगवा और भगवान राम को लेकर नाना पटोले का बेतुका बयान पहली बार नहीं आया। इसी महीने के 10 मई को नाना पटोले ने राम मंदिर को लेकर भी अपनी जबान से जहर उगला था। उस वक्त नाना पटोले ने ऐलान किया था कि 4 जून को इंडिया अलायंस की सरकार बनने के बाद राम मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा।